गाइस वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्यूबो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आपके फोन में जो नीचे बटन्स होते हैं जिसके द्वारा आप अपने फोन को ऑपरेट करते हैं उसको आप कैसे चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपको नीचे बटन शो हो रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। तो आप किस तरीके से अपने फोन में आने वाले नेविगेशन बार को चेंज करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो आपके फोन में आने वाले नेविगेशन बार को चेंज करने के लिए आपको अपनी सेटिंग पर आ जाना है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं आपको सेटिंग शो हो रही होगी, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और सेटिंग पर आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और आपको वहां पर ऑप्शन दिख जाएगा आपके फोन की सेटिंग में डिस्प्ले। तो आप डिस्प्ले पर क्लिक करिएगा। डिस्प्ले पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर कई सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, कई सारी सेटिंग्स शो हो रही होंगी। यहां पर लाइट मोड, डार्क मोड, यहां से आप डार्क मोड या लाइट मोड भी कर सकते हैं। यहां पर आप ब्राइटनेस देख सकते हैं, आगे पीछे करके कमियां ज़्यादा कर सकते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको स्क्रीन टाइम आउट के नीचे नेविगेशन बार आपको यहां पर देख सकते हैं, आपको नेविगेशन बार शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। नेविगेशन बार पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन्स, स्विप जेस्चर्स, अभी आपके फ़ोन में बटन्स हैं। और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं बटन ऑर्डर। अगर आप बटन का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, आप देख लीजिए, अभी ये ऑर्डर है, सबसे इस तरफ एक पॉइंट बैक करने वाला ऑप्शन है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया। अगर आप स्विप जेस्चर वाला करना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्विप जेस्चर्स में चेंज हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं, आप स्विप जेस्चर्स में चेंज हो गया, यहाँ पर आप हटा सकते हैं और कुछ इस टाइप से साइड स्विप करके आप बैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में आने वाले नेविगेशन बार की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।